मैंने यहां आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों से एक आह्वान किया था, उसकी एक मंजिल पर पहुंच रहे हैं हम, और उस मंजिल का परीक्षा का समय आ गया है। इसी 18 तारीख को, 18 तारीख से भारत सरकार की ओर से हमारे गांव में कैसा कैसा काम हुआ है उसका मूल्यांकन करने के लिए टीम आ रही है। वो टीम कैसा मूल्यांकन करके जाएगी, वो जो ये मेरे सामने इस हॉल में लोग बैठे हैं और इन्हीं जैसी सोच वाले गांव के और लोग हैं, उन पर निर्भर करेगा। आज से ही यहां इस हॉल से एक पक्का निर्णय करके जाना है कि मेरे कार्य क्षेत्र में जो मेरी जिम्मेवारी बनती है निर्मल ग्राम बनाने के लिए, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आने पाएगी। ये हर गांव के 100 पॉइंट्स हैं, हर गांव के 100 पॉइंट्स बने हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी गांव के भी 100 में से 99 पॉइंट नहीं होने चाहिए। ये जो 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है वो इस जिले में डालना चाहते हैं। 100 में से 100 नंबर हर एक चीज में आए, ये आदत हम इस जिले की बनाना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। ऐसे लोग जो वास्तव में ही सारे समाज के बारे में अपनी दिमाग में योजनाएं बनाते रहते हैं, मैं उनके लिए वास्तव में ऋणी हूं, आभारी हूं, और ऐसे लोगों की और आवश्यकता है जो अपने विचार दें, उनको अपने कार्य क्षेत्र में लागू करें और दूसरों के लिए एक आदर्श पेश करें। ये लक्ष्य हम शिक्षा के बारे में खींचना चाहते हैं कि ये जिला शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो हाई स्कूल का लेवल है और चाहे उससे आगे का लेवल है, वो मैं यहां नहीं कहता कि ये सारे प्रदेश में नंबर एक पे हो, बिल्कुल नहीं। मेरा ये पूरा लक्ष्य है कि वो देश में नंबर एक पे हो। अब ये देश में नंबर एक पे कैसे कह सकता हूं मैं, वो इसलिए कह सकता हूं, सिरसा जिला दो सामाजिक पहलुओं में, दो पहलुओं में देश में आज भी नंबर एक पे है। नंबर एक है स्वैच्छिक रक्तदान, जो रक्तदान में नंबर एक पे है हमारा जिला आज भी देश में। अब नंबर दो है, जो बिल्कुल यहां बैठे हुए लोग हैं उन्होंने किया है, वो है स्वच्छता का अभियान। स्वस्थता स्वस्थता लोग बात करते हैं तो एक दूसरे को नमस्ते करते हैं तो जय स्वस्थता बोलते हैं, मतलब ये सारे का सारा प्रयास कैसे हुआ है, तो उस सारे के लिए मैं सारे का सारा श्रेय यहां हमारे जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए साथी हैं, सारा श्रेय उन्हीं को देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे सुबह 4 बजे जुटे हैं, आए भी नहीं उनमें से बहुत सारे, ये मैं बता दें, रात को देर तक अपने घर गए हैं वापिस और सारा दिन स्वच्छता के बारे में बात की। ऐसे लोगों का ये समाज कभी भी रेत जो है ना उतार नहीं सकता, ये मैं बताता हूं। और ये जिला इन्हीं लोगों की वजह से जो कुछ हुआ है, जिसको चाहे आप चमत्कार कहो, चाहे उसको आप प्रयास कहो, चाहे उसको आप लगन कहो, जो भी कुछ था जिसकी वजह से ये सारा हुआ, ये उन सिरफिरों की वजह से है जो पूर्ण रूप से लगनशील है, पूर्ण रूप से जुनूनी है,
और जो चीजों को लेंगे ना बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं, जो दूसरों के लिए काम करने में एक नए आनंद का एहसास करते हैं, ये उन लोगों की उपलब्धि मैं मानता हूं और उनको यहां बैठे बैठे यहां इस मन से बोलते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आपसे मेरा निवेदन है, मेरा सबसे निवेदन है कि जिस दिन वो टीम आए तो काम का पूरे का पूरा वातावरण जो है वो बिल्कुल एक उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए। गांव में वो टीम आए तो उनको ये लगना चाहिए कि गांव में आज दिवाली मनाई जा रही है। आप समझे मेरी बात, गांव का माहौल, गांव का सारा तौर तरीका बिल्कुल एक उत्सव जैसा होना चाहिए कि हाँ हमारे गांव में हमने ये उपलब्धि की है और इससे हमें गर्व है, फक्र है और हम गांव को एक ऐसे मोड में ले जाना चाहते हैं कि कोई बाहर वाला आके देखे तो गांव में आने से उनका मन लगे और हमारा गांव इस जिले का सबसे बढ़िया गांव बनने का लिए प्रयासरत है। तो आप अब देखिए कि आपका कितना बड़ा योगदान हो सकता है, सारे के सारे जो दुनिया रूपी सारा समाज है उसमें आप कहां तक अपना योगदान दे सकते हो। आपके चेहरे की रौनक मुझे बताती है कि आज से जाके यहां से और सीधा एक निर्णात्मक ढंग से एक भी जगह आप अपनी कसर नहीं उठा छोड़ोगे। आपने पूरे लगन से, आपने नहीं आपकी टीम ने, आपके जो इस जिले के सही सोच वाले सकारात्मक सोच का लोग, लगन वाला लोग और जिसको जिले के बारे में कोई चिंता है तो वो इस जिले को नंबर एक पे लेके आएगा। आप लोगों ने इतने प्यार से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।